हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार तुम लोग कैसे हो? मैं एकदम मस्त हूँ। आप सब भी बहुत बढ़ेंगे और भाई अपने अपने घरों में मौज ले लोगे। तो भाई आज है मेला, आज 28 तारीख है, तो आज का है और 29 और 31 की सुबह तक का है, 11-12 बजे तक का। तो 3 दिन का मान लो, हाँ 2 दिन का है ना। वैसे तो सही बताऊँ तो उसका टिकट सही का तो छोटा मोटा सही सुबह का रहेगा बस। तो मेला है आज, अभी रौनक स्कूल गया, उसने बहुत जिद करी मम्मी से कि भाई आज न जान दो। मैंने भी कही थी, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं 12 बजे आ जाएगा फिर चलेंगे उसके बाद। अभी तक तो मैं वंश कोई सा गए नहीं है मेले वेले में, क्योंकि वंश को फिर वहाँ पे जाना पड़ गया खेत में, तो कोई सा हम दोनों में से गया नहीं। प्रीत आ रहा है मासी के लड़के को, तो वो भी नहीं गया अभी। तो हम दोनों में सोचे फिर हम दोनों क्या करेंगे, सारे साथ ही चलेंगे। तो अभी चलेंगे मेले में, फिर दिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से लगा है साल। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको मेले में, दिखाऊंगा। तो गाइस अभी जा रहे हैं मेले में भाई, सारों ने पैसे वैसे अपने जोड़ लिए हैं और अब फटाफट जाएंगे। अब जब 5:30 बज रहे हैं और अब पूरी रात को वहीं रहेंगे। अपना क्या बिछाना भाई, वो पलवल बिछा के अपना मंदिर में वहाँ बैठना पड़ेगा भाई। मुझे तो पता नहीं क्यों बैठे हैं, पर वहाँ पर अपना बिछा के, हाँ मतलब मंदिर में रुके हैं, 12 बजे तक रुकते हैं, फिर उसके बाद सब चल जाएँ। तो वहाँ पे बिछा देंगे अपना अभी, और जो कोई आसपास बैठा होगा अपन किसी दूसरे की रखवाली कर रहा हूँ भाई, हमारी भी कर लिए, हम इतने घूम आएंगे अपने भाई। ट्रैम्पोलिन, इतने सारे ट्रैम्पोलिन आए, कम से कम 9-10 ट्रैम्पोलिन हो गए, मैं दिखाऊंगा तुम्हें जाकर। और वे जो नाव हुआ यार भाई हिंडोला, वो अभी उन्होंने कर दिया स्टार्ट, करते 6:30 से कर देंगे, तो उसमें हम रहेंगे भाई। तो भी चलते हैं भाई, अभी मैं दिखाता हूँ आपको मेला कैसा भर रहा है यहाँ से ऊपर से। हम छत पर आ गए थे, स्कूल एक पीछे यहाँ पे बड़ा मतलब सरकारी स्कूल है, वहाँ किसी उस पर छत पर आ गए थे। अब दिखाऊँ मैं आपको कैसा है भाई, दिखा दे। यार कैसा लगा है? अब जिसको आना हो आ जाओ, गांव भलसोना जिसको आना हो भाई, जो भी देखता हो वो लोग आ जाइयो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अभी तो हम शाम को थोड़ी सी और रात को आएंगे, अभी प्रसाद तो चढ़ाना है भाई अपनी, वो भी। तो गाइस भाई स्वागत है, सुबह हो चुकी है और मैं एकदम तय नीचे आया था, मैं प्रीत के घर पर आया था, तो प्रीत को बुलाना है, एकदम से मुझे हारा दिख गया। तो मैं सोच रहा था कि आप में से कितने लोगों को पता कि भाई हारा क्या होगा, जिनको नहीं पता भाई मैं बता दूँ, हारा एक वो होगा भाई जिसमें पहला दूध गर्म करा करते हैं, अब तो बहुत कम हो गया, गाँव में भी बहुत कम है। अब तो मैंने हाँ देख लेना, ठीक है, अब तो हाँ भी ना सब बहुत कम कर दिया, अब तो लोगों ने हारा सब गैस पर करा है ना। अगर आपको पता हो तो बताना भाई कमेंट करके, है नहीं ज़्यादातर वैसे किसी को पता नहीं था कि हरा हो गया क्या, मैंने बता दिया मगर UBC है हरा। अच्छा अरे मैं किसी को पता ना भाई, बता दे दिखा देना। मैं जैसे नीचे मैंने दिख के मगर हरा, मगर चलो दिखा देने भी, तो फटाफट से मैं यार मैं दौड़ी बॉडी कटवा हूँ अपनी, और उसके बाद मेले चलेंगे अपना, पूरे दिन आज भी रहेंगे जैसे कल रात रहे थे, तो भी चलो फटाफट। तो भाई अभी जा रहे भाई मेले में फटाफट से, रोना गाने लग रहा है, और प्रीत को फोन कर दिया मैंने, प्रीत भी आने लगा, अभी जा रहे फटाफट से क्योंकि इसके घर पे कोई मेहमान आ गया, तो उनके साथ चल रहे, तो फिर शाम को चल जाएंगे उनके जगह, चल जाएंगे उनके बाद चल जाएंगे, हम तो पूरे दिन नहीं वहीं रहेंगे मेरे मल जा। और कल को सुबह का थोड़ी देर का रहेगा, आज का है वैसे तो देखते जा, तो कल को थोड़ा सा रहेगा, तो आज जितना भी उजल करेगा, रुक जा, हाँ चल बस ठीक आ रहा। तो गाइस भाई घर आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 10:30 और अभी अपना सोएंगे, अभी तो खैर सोनेगे नहीं, थोड़ा देर अपना बात करेंगे बैठेंगे, प्रीति हमारे साथ है क्योंकि मासी वासी सब वहीं हैं, अभी क्या नाम है अपना मेले में, तो अभी जब जाएंगे तो यो मार क्यों करूँ मैं, तू घना पर भी नहीं आ गया, ब्रांडर तो बिल्कुल ना करिए बस तो। मैं देर से जो कही थी तो वो करवा दे, बस मैं तेरे करवा दूँ इंटरव्यू। गाइस दिस इज चलो भाई अभी तो कुछ ना ऐसा कुछ करने की नहीं, अब कल को अपना सुबह कुछ जाने जाने करें लगाने तो जाने, तू चला जाना तेरी में घंटे हो लिए
मिलता भी थोड़ी देर में। तो गाइस भाई मेरा वेड़ा हो चुका है अपना खत्म। अभी वंश का है, वंश के घर पे कीर्तन, तो अभी वहां पे चलेंगे कीर्तन वीर्तन में। तो अभी फैक्ट्री आए थे, फैक्ट्री पे आए थे, तो वहां पे भी लेना था फूल गुल। दिखाऊं मैं, देखो यारे दिख रहा होगा तोड़ रहा वंश, और यहाँ पे है कुछ गुलाब के फूल। अरे जा तू, तो अभी ये फूल वूल लेके अपना घर जाएंगे और कीर्तन होगा वहाँ पे, कीर्तन में भी दिखा दूंगा थोड़ा सा। अरे जा चला जा। तो आज मैं सोच रहा हूँ अकेडमी ना जाऊँ रौनक के साथ भाई, क्योंकि थक रहे यार सुबह के। हम सुबह भी चले गए थे, फिर सुबह भी हम जाके उसमें ट्रैम्पोलिन में बहुत कूद गए, तो यार पैरों में दर्द बढ़ता हो रहा और थक रहे बहुत। रात के भी हम, रात को भी हम कम से कम 10:30 बजे बताया था मैंने, 10:30 बजे हम आ गए थे वहाँ से, तो उसमें भी यार टाइम में हम लग गया था। मैंने सोचा होगा आज नहीं जाते, कल से जाएंगे, और कल सुबह को फिर अपना रेस भी शुरू कर देंगे। 3-4 दिन की बढ़िया छुट्टी है यार, बाहर बाहर का भी खाया गया ऐसा 3-4 महीने हो गए था बाहर का, कोई ना मगर चलो एक दिन एक दो दिन तो हो ही जा। तो अभी तो चलो जब कीर्तन में जाऊँगा मैं, जब दिखाऊंगा बढ़िया से कैसे कैसा प्रोग्राम करवाया है, अभी तो वहीं दिखाऊंगा कीर्तन वीर्तन में। तो गाइस इस वाले ब्लॉग को करते यार यहीं पर एंड। अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं यहाँ पे आ गया था भाई घर, क्योंकि मम्मी का फोन आया था वहाँ से कि जब मैं मम्मा कहता कि भाई तू यहीं पे आ जा, और क्योंकि प्रोग्राम था यार इस्कॉन में, तुम देखा होगा रामनवमी के था, इस वजह से आज प्रोग्राम था उनका। तो एक मतलब वो कहते हैं ना क्या क्या भाई झांकी, हाँ झांकी टाइप निकली थी यहाँ पे हम कॉलोनी में भी, तो मैं उनके साथ ही हो गया था। फिर फ़ोन वोन तो मैंने वीडियो तो बनाई नहीं, लेकिन मैं जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने वहाँ थोड़ा सा बना लिया। तो बता देना आप जब ये वाला व्लॉग जैसा भी लगाओ, और अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए अपना सेफ रहो, जय श्री राम।